श्री शिवाय नमस्तभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आई एम आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनकर बहुत ही अचूक और रामबाण उपाय आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये काफ़ी सुंदर और बहुत ही चमत्कारिक और काफ़ी शक्तिशाली उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की कथा में बताए थे। दोस्तों इन उपायों को करने से घर में सुख शांति का वास होता है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो काफ़ी समय से अटकी हुई है पूरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी और महादेव की कृपा से आपके हर काम बनने लगेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी के अनुसार बताए गए गेहूं और मूंग की दाल के दाने के अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर आपको काफ़ी अच्छे से इन उपाय के बारे में समझाऊंगा। तो देखिए आगे इन उपायों को जानने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों अगर आप महादेव को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले एक लोटा तांबे का लेना है, जिसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। साथ में दोस्तों आपको 31 दाने गेहूं के लेने हैं, जो कि कहीं से भी गुने हुए या टूटे हुए ना हो, साफ सुथरे और सुंदर से आपको गेहूं के 31 दाने लेने हैं। साथ में आपको साबुत मूंग की हली दाल के 31 दाने आपको लेने हैं। दोनों चीज़ें लेकर फिर आपको दोस्तों एक बेलपत्री लेनी है, जो कि कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि आप शिवजी के जो भी कोई उपाय करें उसमें आपको सारी चीज़ें शुद्ध और साबुत आपको लेनी है, कोई भी चीज़ खंडित ना हो। अब देखिए दोस्तों आपको इन सारी चीज़ों को लेकर अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। शिव मंदिर में जाकर दोस्तों आपको सबसे पहले जो आपने बेलपत्री ली है उस बेलपत्री को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखें और देखिए बेलपत्री का जो चिकना वाला भाग है ये आपको ऊपर की तरफ रखना है और जो खुदड़ा वाला भाग है वो आपको हथेली की तरफ रखना है, ठीक है। फिर आपको शिवलिंग के सामने खड़े होकर शिवजी से अपनी मनोकामना कह देनी है, जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना के बारे में आपको शिवजी से कह देना है और बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। जब आप बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें तो दोस्तों डंडी वाला भाग आपको अपनी तरफ रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपने जो 31 गेहूं की दाल के दाने लिए हैं उन गेहूं के दाल के दानों को आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर छोड़ना है, ठीक है। देखिए छोड़ना कैसे है, आपको एक दाना शिवलिंग के ऊपर रखना है और आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमोस्तभ्यम मंत्र बोलना है, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी एक मंत्र आप बोलते जाएं और गेहूं के एक एक करके दाने आप शिवलिंग के ऊपर रखते जाएं। लास्ट का जो 31वां दाना आप शिवलिंग पर रखें तब आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और अपनी मनोकामना को कहते हुए 31वां दाना आपको शिवलिंग के ऊपर ही रख देना है। अब देखिए मूंग की दाल के दाने हैं ये दोस्तों आपको माता अशोक सुंदरी को अर्पित करने हैं। ऐसे ही आपको एक एक करके माता अशोक सुंदरी को मूंग की दाल के दाने अर्पित करने हैं। साथ में आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोनों में से किसी भी एक मंत्र को बोलते जाना है, ठीक है। 31वां दाना जो है आपको माता अशोक सुंदरी को अर्पित करते समय आपको अपनी मनोकामना कह देनी है। अब उसके बाद आपने जो एक लोटा जल लिया है उस जल को शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर जलाधारी टपकती है, ठीक है, उस जगह पर आपको शिवलिंग के बीचों बीच में बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आपको ओम नमः शिवाय मंत्र को कहते हुए बटकेश्वर महादेव का ध्यान कर आपको एक लोटा जल अर्पित कर देना है। फिर दोस्तों आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी सीधे हाथ की हथेली रखकर थोड़ी सी शिवलिंग की सेवा करके जिस तरीके से हम हाथ पर दबाते हैं उसी तरीके से आपको शिवलिंग को हल्के हाथों से बड़े प्रेम से दबाते हुए आपको थोड़ी सी सेवा कर देनी है और कुछ देर के लिए आप मंदिर में बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जप करते रहें। फिर उसके बाद दोस्तों आप अपने घर पर चले जाएं। दोस्तों इस उपाय को आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, साथ ही आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और आपकी जो भी दिक्कत होती है उसे महादेव खुद ब खुद दूर कर देते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली
भर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये उपाय अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।